हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैंप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जानेंगे क्रिटिकल रेडियस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं और इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, कर्नाटका में काम करते हैं वो, उन्होंने इस ड्राइंग को भेजा था। इस टाइप का ड्राइंग उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था, तो सेम वही ड्राइंग मैं यहाँ पे बनाया हूँ। आप देखो यहाँ पे, बस फर्क क्या है इसमें कि यहाँ पे ये थोड़ी लंबाई थी, यहाँ पे ये साइड में कॉलर था। तो हमारा मेन क्या है, अगर आप देखो इसको तो चैम्बर हो गया, टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, तो ये तो नॉर्मल है, कोई भी इसका प्रोग्राम बना लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रेडियस है, देखो यहाँ रेडियस दिया है, 10 का रेडियस है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। मेन है कोऑर्डिनेट निकालना। अगर कोऑर्डिनेट निकल गया तो प्रोग्राम बनाना हमारा इजी हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे मैनुअल में, G01 में। अगर इस टाइप का है तो इसके लिए एक साइकिल होता है G73 कैंट साइकिल। लेकिन अगर मैं इसे G70 कैंट साइकिल में बनाऊं, G73 में, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसे हम बनाएंगे G01 में। G73 का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लो 2 पीस हो गया, 4 पीस हो गया, तो वहां पे हम 2-4 लाइन लिख देंगे और चला देंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन में है, 100 पीस है, 50 पीस है, 1000 पीस है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम इसका G01 में मैनुअल प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना सीख रहे हैं और इसका प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले इस ड्राइंग को आप देख लो, ये ड्राइंग क्या कह रहा है। ये ड्राइंग 10 का ये रेडियस है, यहां पर 10 का ये रेडियस दिया हुआ है, R10। और ये साइज देखो, यहां से लेके ये जहां पे हमारा ये रेडियस का ये इस तरह छोड़ रहा है रेडियस का, जो 10 का रेडियस है, तो ये है 61.5। ये 61.5 है, देखो यहाँ पे एरो का निशान है। और ये है जो डाया, ये है जिस डाया पे हमारा रेडियस है, ये है 64.5। तो ये चीजें हमारे यहाँ पे हैं। तो हम इसका अब कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, हम सेम ऐसा ही बना लेंगे एक ट्रायंगल। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा इस तरह से हो गया। तो मैं इसको यहां पर बना लेता हूं, ये मैं ऐसे बना लेता हूं, और ये है रेडियस। रेडियस कितने का है, रेडियस है 10 का, 10.0 रेडियस है हमारा 10 का। अब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए ये, और ये लंब चाहिए, ये हमें लंब चाहिए। तो लंब निकाल लेंगे हम यहां से, देखो 64.5 ये हमारा डाया है, और जहां रेडियस ये हमारा टच हो रहा है, ये है 61.5। तो 64.5 से हम 61.5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 mm। 64.5 माइनस 61.5, तो ये आ गया हमारा 3 mm। 3 mm हमारा ये फर्क आ गया, 64.5 से हमने जब इसको 61.5 को माइनस किया, तो हमें ये एक साइड का चाहिए, तो एक साइड का आ गया 1.5। 1.5 ये हमारा एक साइड का मिल गया, ये हो गया हमारा लंब। हमें लंब कितना मिल गया, 1.5 mm हमें लंब मिल गया। अब हमें चाहिए आधार। आधार क्या होगा, दो चीज तो हमें मिल गया, R10 10.10 का रेडियस है, R10 ये हो गया, और लंब हमने निकाल लिया यहां से, लंब यहां से निकाला, इससे हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारा एक साइड का मिल गया। तो हमें ये लंब मिल गया। अब हमें चाहिए आधार। आधार हम कैसे निकालेंगे, मेन यही है। अगर आपने आधार निकाल लिया तो इसका प्रोग्राम आप बना लोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R10 10 का रेडियस है, तो 10 × 10, 10 × 10, 10 में हम 10 का गुणा कर लेंगे, और 1.5 ये जो है लंब हमारा है, तो R10 जो है, R10.0, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1.5, 1.5 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया 8.5। तो हम क्या करेंगे, 8.5 × 8.5, सिंपल है। हमने क्या किया, 10 में से
1.5 को माइनस कर लिया, आर जो 10 का रेडियस है इसमें से 1.5 माइनस किया तो आ गया 8.5। अब हमने क्या किया, 10 में हम 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100, और 8.5 में हम 8.5 का गुणा करेंगे तो मैं इसे गुणा कर ले रहा हूं 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 तो ये आ गया 72.25। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 72.5 को हम माइनस कर लेंगे, 100 से 72.5 को हम माइनस कर लेंगे तो हम माइनस करेंगे 100 माइनस 72.25, 100 माइनस 72.25 तो वैल्यू आ गया हमारा 27.75 अब इसका हम निकालेंगे अंडर रूट 27.75 का हम निकाल लेंगे अंडर रूट, तो हम निकालेंगे अंडर रूट 27.75 तो वैल्यू आ गया हमारा 5.2678। आगे भी कुछ वैल्यू है तो हम पकड़ते हैं 5.26, 6 के आगे 7 है तो ये 27 मान लो, 26 या 27। तो हमें ये आधार मिल गया इसका, हमने इसका आधार निकाल लिया, 5 पॉइंट आधार है 5.2678। आगे भी कुछ वैल्यू है तो हमें ये आधार मिल गया, अब इसका वैल्यू हो गया 5.2678, हमें आधार मिल गया। अब इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे 1 × 45, 1 mm का चैम्पर है 45 डिग्री में, तो ये लंबाई हम लेंगे 1 mm, ये लंबाई मिल गया हमें 1 mm, और टोटल लंबाई है यहां से लेके ये है 18 mm, तो एक साइड से हो गया आपका 9 mm। ध्यान से देखना इस वीडियो को, सारा कैलकुलेशन आपको मैं बताऊंगा कि इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहे हैं और इसका हम प्रोग्राम कैसे बना रहे हैं। तो एक साइड से हो गया आपका ये 9 mm, अगर यहां से इधर देखोगे तो ये हो गया 9 mm, और यहां से इधर ये हो गया 9 mm। अब 5.2678 ये हमारा आधार है तो हम क्या करेंगे, 9 में से 5.2678 को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हमारा साइज कॉलर का निकल जाएगा, तो हम माइनस करते हैं 9 - 1। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे 1 mm जो है, तो 9 से 1 हम कम करने के आ जाएगा हमारा 8। अब 8 से माइनस करेंगे 8 - 5.2678, तो वैल्यू आ गया हमारा 2.73, ये आ गया 2.73, हमें ये लंबाई मिल गई, ये रेडियस का ये जो आधार है ये है 5.2678, और ये कॉलर की लंबाई मिल गई 2.73, और 1 mm का हमारा ये चैम्पर की ये लंबाई है, तो ये आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 mm। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, हमने क्या किया, 10 का रेडियस है तो 10 में हमने 10 का गुणा कर दिया, आ गया वैल्यू 100, और 10 में हमने 1.5 को माइनस कर दिया, ये जो हमारा लंब है तो हो गया 8.5, तो हमने 8.5 में 8.5 का गुणा कर लिया, आ गया 72.5। उसके बाद से हमने माइनस कर दिया, 100 में से 72.5 को हमने माइनस कर दिया तो वैल्यू आ गया 27.75। इसका हमने अंडर रूट निकाल लिया 27.75 का, तो वैल्यू आ गया 5.2678। ये हमें ये आधार की लंबाई हमें मिल गई, ये आधार। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और मैं बना रहा हूं इसका प्रोग्राम, मैं इसे मिटा रहा हूं और मैं बना रहा हूं इसका प्रोग्राम।
दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। बीच में काफी गैप हो गया, लगभग 1.5 से 2 महीना गैप हो गया, मैं प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बना पाया बोर्ड पे कि समझाऊं आपको किसी टॉपिक पर। अब आपको रेगुलर मतलब हफ्ते में एक दो वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूं, यहाँ पर प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से बनाया हूं ताकि हमें प्रोग्राम बनाने में इजी रहे। इजी कैसे रहेगा, एक साइड से लंबाई है 9 mm, टोटल लंबाई कितना है, टोटल लंबाई है 18 mm। तो हमने क्या किया, इसको दो भाग कर दिया, 9 mm मैं इधर कर दिया और 9 mm मैं इधर कर दिया। तो इसे हम बनाएंगे G01 में मैनुअल। अब टोटल लंबाई है 9 mm, तो ये जो आपका 45 degree है, 1 × 45, यहाँ पर चैम्पर है 1 mm का, तो ये हो गया आपका 1 mm, ये हो गया 1 mm। उसके बाद से कलर कितना है, कलर है आपका 2.73, कलर है 2.73, कलर है आपका 2.73 और उसके बाद से बचा आपका 5.2678। हमने इसको तीन भाग किया है, देखो तीन भाग, दो रफ कट लेंगे और एक फिनिश लेंगे। तो मैं दो यहां लिख दिया और दो यहां लिख दिया, पेन ये चल नहीं रहा है, दो मैं यहां लिख दिया और दो मैं यहां लिख दिया और 1.267 मैं यहां पे लिख दिया, ये है 2.73। तो हमने क्या किया, 5.2678 को हमने तीन भाग में बांट लिया। अब सेम वही चीज मैं यहां पे कर लूंगा, दो ये हो गया, दो ये हो गया और 1.267 आगे भी कुछ वैल्यू है। तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं इसका अभी प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको इसका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और प्रोग्राम बनाना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि हम इस तरह का अगर कोई रेडियस में बनाना है तो इसका हम रफ और फिनिश प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो जब भी आप इसका प्रोग्राम बनाओगे तो ये आप इसका जो चैम्पर है और ये जो डाया है 64.5, इसको आप पूरा बना लोगे, ये यहां से लेके टूल आप इसका ये चैम्पर लगा लोगे और ये डाया बना लोगे। उसके बाद से फिर दूसरा टूल हो गया BNMG न्यूटर टूल, उससे आप इसको बनाओगे, इस रेडियस को, मतलब इस रेडियस को बनाने के लिए हमें पर्टिकुलर एक टूल चलाना पड़ेगा, BNMG न्यूटर टूल। अगर प्रॉपर रेडियस चाहिए तो आप BNMG न्यूटर टूल का इस्तेमाल करो। तो जो कर्नाटका के हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने क्या किया, TNMG से उसको बनाया था, उन्हीं का ड्राइंग है ये। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो ये पार्ट है अगर हम TNMG से बना रहे हैं, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसको TNMG से बनाया था। तो TNMG से बन क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक साइड से सिर्फ 1.5 है, अगर ये ज्यादा होता, मान लो 5 mm, 7 mm, 8 mm होता तो TNMG से ये नहीं बनता। तो उन्होंने TNMG से बनाया था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम टूल का इस्तेमाल करेंगे BNMG। इस तरह से हमारा BNMG न्यूटर टूल होता है इस तरह से, तो हम BNMG टूल से बनाएंगे। देखो आप इसका पोजीशन अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारा BNMG से प्रॉपर बनेगा। तो हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। तो हमने क्या किया, एक टूल से इसको मैं फाइनल कर लिया, ये चैम्पर लगा लिया और ये डाया बना लिया। फिर दूसरा टूल लिया हमने BNMG, उससे अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो हम जाएंगे मेन प्रोग्राम पे, G0X है, टूल को मैं कहां पे खड़ा करूंगा, 64.5 है तो 65 पे खड़ा करूंगा, X 65.0, Z 2.0, G01, Z माइनस है। अब मैं Z माइनस कितना होगा, मैं आऊंगा यहां पर, ये है 9 mm है, तो मैं कितना आऊंगा, मैं आऊंगा 9 mm से मैं 2 mm कम आऊंगा, तो 9 से हम 2 को कम करेंगे, हम आएंगे 7, Z माइनस 7.0, फिर 0.25, X, अब मैं X कितना आऊंगा, अब मैं X आऊंगा 64.5, टूल हमारा यहां पे टच हो गया इस जगह पे। देखो ये टोटल लंबाई है, टोटल सॉरी
ये इसका जो हाफ है ये लंबाई है सेंटर तक, यहां से लेके यहां तक जो सेंटर की लंबाई है ये है 9 mm। तो हमने क्या किया, टूल को यहाँ पे टच कर लिया, टूल हमारा यहाँ पे खड़ा है कितने डाय पे, 64.5 पे। अब यहां से रेडियस बनाने को स्टार्ट है, यहां से ये रेडियस बनाने को स्टार्ट है। पहला कट होगा ये रफ का, तो जब रफ का कट चलेगा कैसे चलेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे टूल हमारा यहां से ऐसे आएगा, 2 mm अंदर से स्टार्ट हुआ और 2 mm बाहर में आ गया, मतलब 20 सेंटर में हमारा एक रफ कट बन गया ऐसे इस तरह से। तो हम लिखेंगे G02X, X कितना लिखूंगा मैं 64.5, Z माइनस में कितना होगा 9, ये हो गया और 2 इसमें हम प्लस कर देंगे 9 और 2 11, Z माइनस 11, 9 ये और 2 ये 11.0, R है 10.0 फिट 0.1। यहां पे हम फिट का भी ध्यान रखेंगे कि ज्यादा फिट नहीं लेंगे हम क्योंकि रफ कर रहे हैं, तो फिट हम लेंगे फिट 0.1। अब इसने क्या किया, यहां से ऐसे चला और एक रफ कट बना दिया बीच में सेंटर में, यहां बीच सेंटर में इसने एक इस तरह से बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स टूल को ले जाएंगे 65.0 फिट 0.5 लिख लो यहां पे, और जेड माइनस, अब जेड माइनस में कितना होगा, ये हमारा पहला रफ कट है, अब हम करेंगे दूसरा रफ कट, जेड माइनस हम यहां पे आएंगे, यहां पे क्या हो गया 9 mm, ये हो गया 9 mm से हम 4 mm को माइनस करेंगे, 9 से हम 4 mm को माइनस करेंगे, तो टूल आ गया हमारा जेड माइनस 5.0, फिर आपका ये ले लेगा जेड माइनस 5.0, टूल हमारा यहां पे खड़ा हो गया इस जगह पे। अब क्या करेगा, यहां से दूसरा रफ चलेगा ऐसे इस तरह से, यहां पर आएगा यहां से इस तरह से, ये ऐसे आएगा एक्स। अब मैं टूल को कहां पे खड़ा करूंगा, 64.5 पे हमने टूल को खड़ा कर लिया, और उसके बाद से अब मैं यहां पे G02 से रेडियस बना रहा हूं दूसरा रफ कट का, G02X, एक्स कितना है 64.5, जेड माइनस, अब मैं जेड माइनस कितना होगा 9 mm, ये है यहां से ये लंबाई है 9 mm, अब इससे मैं 4 mm इसको मैं प्लस कर लूंगा, 2 ये और 2 ये, 9 4 13, जेड माइनस 13.0, आर 10.0 फीट 0.1, हमारा ये दूसरा रफ कट हो गया। यहां से टूल ऐसे चला और दूसरा इसने रफ कट चला लिया, अब दो हमारा रफ कट चल गया, एक ये और दूसरा ये। टूल को हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे एक्स 65.0, और उसके बाद से जेड माइनस, अब मैं जेड माइनस कितना होगा फाइनल हम करेंगे यहां से इस जगह से, तो ये लंबाई है कॉलर की 2.73 और 1 mm हमारा ये चैम्पर का है, तो 2 और 1 = 3, 3.73, जेड माइनस 3.73। टूल अब हमारा यहां पे आ गया इस जगह पे, यहां से अब ये फाइनल कट चलना स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे अब टूल आएगा और यहां पे इस जगह पे आएगा ऐसे, यहां से ऐसे इस तरह से, ये हमारा तीसरा कट है, तीसरा फाइनल कट, तो जेड माइनस 3.73। अब मैं यहां पे टूल को खड़ा कर लूंगा एक्स 64.5, G02X, एक्स लिखूंगा मैं 64.5, जेड माइनस, अब मैं जेड माइनस कितना होगा 9 mm ये, और उसके बाद से 5.2678, इधर भी यही लंबाई है 5.2678, यहां भी हमारी यही लंबाई है, तो इस टोटल लंबाई को हम जोड़ लेंगे, मतलब यहां से ये लंबाई है हमारा 5.2678, इसको हम जोड़ लेंगे तो 9.5 हो गया 14.267, जेड माइनस 14.267,
आर 10.0 फीड पॉइंट 1। अब इसने क्या किया, यहां से टूल चला और ये हमारा फाइनल हो गया, तीसरे कट में ये हमारा फाइनल होगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से क्रिटिकल ड्राइंग है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे इसको भेजो, मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं और प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।